हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएसएससी क्लर्क पुलिस जेई परीक्षा के लिए कैसे आपको तैयारी करनी है और परीक्षा तिथि क्या है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 10 दिन आपके पास बचे हैं। मैं बता दूं, जेई के एडमिट कार्ड तो रिलीज कर दिए गए हैं और एक या दो दिनों के अंदर क्लर्क व पुलिस के भी आपके जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको तैयारी कैसे करनी है जिससे कि आपकी नौकरी पक्की हो जाए, इन सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और कुछ आपको ऐसे स्टडी मटेरियल देंगे जिसके कारण आपको सिर्फ वही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और ऐसा माना जा रहा है कि 8 सितंबर से आपकी कलर की परीक्षा लगभग शुरू हो जाएगी, एक या दो दिन में आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जैसे भी कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो देख पाओ। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एचएसएससी क्लर्क पुलिस जेई परीक्षा की तैयारी हमको कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज़ तो है आपकी जो है जीके इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जीके अगर आपकी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो जीके की तैयारी आप इन 10 दिनों में कैसे कर सकते हैं, देखिएगा। जीके के देखिएगा फ्रेंड्स, इसके अंदर वेरियस टॉपिक आ जाते हैं। हिस्ट्री आ जाती है, इसके अंदर पॉलिटी आ जाती है, इसके अंदर इको आ जाती है, इसके अंदर जियोग्राफी आ जाती है, इसके अंदर और इसके अंदर मेन चीज़ जो है वो आ जाती है साइंस। तो फ्रेंड्स, इन सभी के लिए जो है ऑल इंडिया जीके के पार्ट आई है। 25% तो आनी है आपकी हरियाणा जीके और उसके बाद जो है 15% आपकी कम से कम ऑल इंडिया जीके आनी। तो 15% इस जीके के लिए आपको क्या करना है, ये इतने सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं। इसके लिए मैंने फ्रेंड्स 1000 क्वेश्चन इनके और साथ में 500 क्वेश्चन साइंस के ऐसे तैयार कर रखे हैं जहां से बाहर आज तक तो क्वेश्चन कोई पूछा नहीं गया है और ना ही पूछा जाता। क्योंकि आप सभी जानते हैं हरियाणा के अंदर जो ऑल इंडिया जीके वो बेसिक पूछी जाती है और बेसिक क्वेश्चन जो है मैंने 1500 क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रखे हैं। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका जो है इनसे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जीके आपकी 101% हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको जो है लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप कहोगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है लिंक मिल जाएगा इस बुक का। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक दी जाएगी, आपको सिर्फ कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है जीके की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। और हरियाणा जीके के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रखी है हरियाणा जीके की, लगभग कंप्लीट है हरियाणा जीके जो है वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट डाल दूंगा। और सिर्फ मेरे को 6 घंटे देने हैं और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इन 6 घंटों को हम कैसे डिवाइड करते हैं, 2 घंटे 2 घंटे और 2 घंटे। देखिए फ्रेंड्स, इन 2 घंटों में आपको जो है हरियाणा जीके पढ़नी है और हरियाणा जीके आप इन 2 घंटों के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप जो है 4 से 5 दिनों में हरियाणा जीके कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, पहले 5 दिन का एक बार शेड्यूल बता देता हूँ। 5 दिन में आप हरियाणा जीके यहाँ से कंप्लीट कर दोगे और 5 दिन के अंदर आप 2-2 घंटे पढ़ोगे तो 1500 क्वेश्चन जो है वो आप टिप्स पर कर लोगे। मतलब कि आप 10-10 बार उनको रिविजन कर दोगे और ये 1500 क्वेश्चन आपके टिप्स पर हो जाएंगे। और जो बाकी 2 घंटे बचते हैं इसके अंदर आपको फ्रेंड्स मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स जो है वो ऐसे तो याद करने से तो आता नहीं है, वो निकाल कर देखने से आता है। हमारे चैनल पर मैथ्स की भी आपके पास वीडियोज मिल जाएंगी, वो आप देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से करवा रखा है, आपको मैथ बिल्कुल भी ना आता हो तो भी आप सीख जाओगे। और मैंने मैंने जो चैप्टर है वो ही करवा रखे हैं फ्रेंड्स, बाकी तो आप सब कर ही लेते हो। और 10 क्वेश्चन आने होते हैं मैथ से तो 10 के 10 क्वेश्चन आप यहाँ से पक्के कर देते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो था पहले 5 दिन का शेड्यूल। पहले पाँच दिन में जो है आप काफ़ी कुछ कर चुके होंगे और लास्ट के 2 घंटे वो तो आपको 10 के 10 दिन मैथ को देने होंगे। इसके बाद जो लास्ट के 5 दिनों का शेड्यूल आ जाता है उसके अंदर फ्रेंड्स आपका बच जाता है हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर का कोई तोड़ नहीं मिला है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो है अगर टफ पूछेगा तो आपसे कुछ होने वाला है नहीं, आपसे भी नहीं, किसी से भी नहीं होने वाला है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, कंप्यूटर के लिए आप बेसिक लूसेंट जीके तो आपने पढ़ ही दी होगी, ना भी पढ़ी हो तो आप जो है 2 दिन में पढ़ोगे तो 4 घंटे में वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश ऐसे देखिए काफ़ी ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ऐसे आप पढ़ने लगोगे तो। लेकिन हिंदी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में आपको सिर्फ संधि पढ़नी है, आपको जो है समास पढ़ने हैं, आपको जो है मुहावरे पढ़ने हैं, लोकोक्ति पढ़नी है। ये 4 चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो और जो है मैन मैन जैसे व्याकरण की डेफिनेशन क्या है, भाषा की डेफिनेशन क्या है, ये पढ़ लेते हो तो हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आप क्या करें तो फ्रेंड्स, इंग्लिश का सिलेबस की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वाइड है। आप करोगे तो 6 महीने में जाकर ये कंप्लीट होगा। लेकिन आपको क्या करना है, किसी भी मार्केट में पत्रिका मिल जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा जीके के हैं वो आपको जो है अच्छे से तैयार कर लेने हैं और वो तैयार करने के बाद आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए आप प्रीवियस कर लेंगे तो काफ़ी है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और उसके बाद बात आ जाती है हमारी जो मेन सब्जेक्ट हमने बताए थे, हरियाणा जीके, ऑल इंडिया जीके और
हरियाणा जीके हो गई, ऑल इंडिया जीके हो गई, ये दो चीज़ें जो हैं आपकी मेन है। जीके हरियाणा जीके तो आप कर ही लेते हैं सभी आजकल, किसी के कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने हरियाणा जीके तैयार नहीं की रखी होगी, लेकिन जो ये जीके है इसके अंदर सभी के दिमाग में टेंशन बनी हुई है। लेकिन इसके लिए मैंने आपको 1500 क्वेश्चन दे दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में करोगे कमेंट। तो फ्रेंड्स 1500 क्वेश्चन आपको जो मैं दूंगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ना ही अभी तक बाहर से आया है कुछ। ये हो सकता है कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो जो बाहर से आ जाए, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन फ्रेंड्स आप जब बुक पढ़ोगे ना तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा हाँ यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक नॉलेज होती है वो जो आपको नहीं पता होती और आप कहते हैं कि पेपर टफ आ गया, लेकिन फ्रेंड्स ये अगर आप कर लोगे तो आपके एनटीपीसी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो उन सभी में काम आने वाली है 1500 क्वेश्चन। इसके लिए आपको सिर्फ कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।